ये सीढ़ी सब बता रहे हैं। कंटिन्यू, बीबी टाइम देगा आपने। जी, टाइम हो गया है तो मुझे चलना चाहिए। एक मिनट, वो ज्ञान जी भाई फूड ब्रदर्स की फाइल ना, वो तो मैंने आपको कब की दे दी है, वही रखी होगी आपने। थैंक यू। मैं चलूं? अब एक मिनट, कुछ काम अभी भी बाकी है। आज की मीटिंग की सारी प्रिपरेशन आपने कर दी है? जी कर दी। ग्रेट। म्यूजिकल म्यूजिकल जा रहा है कुछ ना कुछ। आपकी वाइफ अभी भी काम कर रही है, लेट इट वर्क। हमारे यहाँ पे वेटिंग रूम में आप वेट कर सकते हैं। वो एक्चुअली काम का वक्त खत्म हो गया, इसलिए मुझे लगा कि मेरे यकीन में सो देव जी, अब चलिए मैं आई रही। टाइम का पता ही नहीं चला। एनीवे देव जी आ गए तो मैं चलती हूँ। विधि जी, एक बात आपसे कहना चाहूंगा। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, बहुत जरूरी होता है। समझदार लोग ये समझते हैं कि जिंदगी में काम से बढ़कर कुछ है, काम है, पैसा है, तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। और हमारा कुछ काम पे भी बाकी है। फ्लैशेस जैसी, आपकी ये बात सुनकर ना मुझे मेरे हस्बैंड की एक बात याद आ गई। वो हमेशा कहते हैं कि काम एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होता, ना घर पे ना ऑफिस में। लेकिन भगवान ने हमें इतना समझदार बनाया है कि हम उन दोनों के बीच का तालमेल बना सके। और वैसे भी अब मेरे घर के काम, आई मीन के ऑफिस का वक्त हो चुका है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और एक बात, आपने कल रात को काफी लेट कॉल किया था। एक्चुअली क्या है ना, मेरी फैमिली है, मैं शादीशुदा हूँ। हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को ये बात अच्छी ना लगी कि इतनी लेट नाइट को मुझे कॉल आए। सो बेटर होगा अगर आप अगली बार ऐसा ना करें। ओके, वो क्या ना, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का बैलेंस मेंटेन करने में बिलीव करती हूँ। मौके का फायदा उठाना मिल गया था आपको, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, बट आप उसे मिस कर रही है और कुछ नहीं है। मैंने कल रात को आपकी फाइल देखी थी, वो फाइल देखने के बाद ही मुझे आज की मीटिंग को लेकर आइडिया आया, इसलिए मैंने कॉल किया था। स्टिल क्या है ना, बहुत सारे डिस्कशंस हम ऑफिस में भी कर सकते हैं, राइट? थैंक यू, बाय। वीओ हद्दी हो गई, ऑफिस तक आगे घुट जा। विधि को ज्यादा देर तक आजाद नहीं देखा जाता होगा ना, डरते सब कि ज्यादा देर आजाद छोड़ गया तो कहीं आजादी की आदत ना पड़ जाए विधि को। नहीं,